दुर्ग जिला कोसरिया यादव समाज के पदाधिकारियों का चुनाव दुर्ग स्थित भवन में संपन्न हुआ, जिसमें बोधन यादव फिर से अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए। चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के सदस्यों ने मतदान किया। कोसरिया यादव समाज के सदस्यों ने अपने पूर्व अध्यक्ष बोधन यादव की कार्य प्रणाली को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए उन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुना है। समाज के दुर्ग जिला पदाधिकारियों का चुनाव दुर्ग स्थित भवन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के सदस्य शामिल हुए और मतदान किया, जिसमें बोधन यादव फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। साथ ही उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि के लिए भी चुनाव संपन्न हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारियों का समाज के सदस्यों ने पुष्पहार से स्वागत कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष बोधन यादव और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मन्ना लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा का निर्वाचन प्रक्रिया हुआ, उसमें हमारे सभी सर्किल अध्यक्षगण अनुशासन में रहकर समाज की सेवा के लिए और समाज को संगठित करने के लिए, समाज को एक आदर्श समाज निर्माण के लिए और सभी सर्किलों से 10 मतदान केंद्र हमने बनाए थे। सभी मतदान केंद्र पर हमारे निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं प्रदेश स्तर से आए हुए पर्यवेक्षक गण यहाँ पर सभी केंद्र में उपस्थित रहे और सभी की आशीर्वाद मुझे मिला। मैं 5 साल पहले भी दुर्ग जिला कोसरी यादव सभा का निर्वाचित जिलाध्यक्ष था। मैंने 5 वर्षों तक लगातार मैंने एक ही उद्देश्य को लेकर चला कि कर्म ही पूजा, कर्म ही देवता, कर्म ही महान है, सती अनसैया सती सावित्री, गांधी बाबा महान है, गांधी बाबा महान है, कर्म ही प्रधान है। मैंने सभी महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, पुरुष प्रकोष्ठ और सभी निम्न वर्ग के जो हमारे गरीब तबके के हमारे सामाजिक हमारे सजाती बंधु हैं, मैंने सभी को लेकर 5 साल तक चलने का प्रयास किया। लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, लोगों का मुझे प्यार मिला, दुलार मिला, लोगों ने मेरे कार्य पर आज मोहर लगा दी है और आज मैं सभी सर्किल अध्यक्षगण, सभी गंवटियागण, सभी सरपंचगण, सभी सजाती बंधुओं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस समाज का सेवा करने के लिए मुझे अवसर प्रदान दिए, इसके लिए मैं दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा की ओर से सभी जिलों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि मंडल, सभी सर्किल अध्यक्षगण, सभी सरपंचगण को एवं सजातीय बंधुओं को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जिला कोसरिया यादव समाज दुर्ग का प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव के पद का चुनाव कार्य संपन्न हुआ, जिसमें यादव समाज के सभी संगठन, सर्किल और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने आज मतदान में भाग लेकर यादव समाज के आदर्श और अनुशासन को स्थापित किया। यह बहुत ही गर्व की बात है कि पहले बार दुर्ग जिला में इस तरह का चुनाव देखने को मिला। आज समाज के सभी लोगों ने संगठन का एक बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है, जिसमें बोधन यादव जिला अध्यक्ष के रूप में पुनः दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने, शंकर यादव जी, पंचू यादव जी, रामचंद्र यादव जी विजय घोषित हुए हैं। इन्हें मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में वे समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन्हें पुनः बधाई देता हूं। मैं मन्नालाल यादव, अध्यक्ष जिला कोसरिया यादव समाज राजनांदगांव, प्रदेश उपाध्यक्ष कोसरिया यादव समाज एवं वर्तमान शासन में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष। बहरहाल नए अध्यक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने की बातें कही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।